अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आज मैं मौजूद हूं सादकाबाद में वड़ाइच एक्सप्रेस के टर्मिनल पर। मेरे साथ मौजूद हैं वड़ाइच एक्सप्रेस के ओनर जुल्फकार वड़ाइच साहब। तो आएँ इनसे जानते हैं कंपनी के बारे में और मज़ीद जो डिटेल्स हैं इसके रूट्स हैं, इन तमाम की जो है वो मालूम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाए बिलाल भाई, खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह जी। बिलाल भाई आपका पहले तो शुक्रिया आप हमारे पास आए। ये जो वड़ाइच एक्सप्रेस है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फर्म है हमारी, इसको हम 5-7 कज़न भाई जो हैं इसको लीड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे ऑनर हैं सर सजाद वड़ाइच साहब, अफजाल साहब हैं, आदा साहब हैं, इम्तियाज़ वड़ाइच साहब हैं, और भी 2-3 हमारे कज़न हैं जो इस कंपनी को लीड करते हैं। मेरे जुम्मे भी ये वड़ाइच एक्सप्रेस को भी देखता हूँ और साथ में पूरे पाकिस्तान के जितने टर्मिनल हैं वड़ाइच एक्सप्रेस उनको मैं लीड करता हूँ जी। अब आए हम आपको ले चलते हैं अपने वड़ाइच एक्सप्रेस के बसों के पास। अच्छा बताइएगा कि वड़ाइच एक्सप्रेस के सादकाबाद से कौन कौन से रूट पर सर्विस अवेलेबल है? जी हमारी माशाल्लाह सादकाबाद से फैसलाबाद के लिए, इस्लामाबाद के लिए, लाहौर के लिए और कराची के लिए, पेशावर के लिए सर्विस अवेलेबल है। मुल्तान भी हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। हमारे पास टोटली जो गाड़ियाँ वो एग्जीक्यूटिव क्लास और बिजनेस क्लास हैं। अच्छा इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज की गाड़ियाँ होती हैं आपके पास? हमारे पास इसमें जोंगटोंग भी है, फोरलैंड भी है और नवा यूटांग भी गाड़ियाँ हमारे पास, और मसलन जो अभी नई नई कंपनी आ रही है हम माशाल्लाह उसको कोशिश करते हैं कि हायर कर लें। अभी भी हमने 10 गाड़ियाँ जोंगटोंग की और नई बुक करवाई हुई हमारी। ठीक है जी। अच्छा जुल्फकार भाई मुझे ये बताइएगा कि आपके जो है ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम अवेलेबल है, कोई हेल्पलाइन वगैरह भी है आपकी? जी बिल्कुल, हमारी ऑनलाइन बुकिंग है। हमारे वड़ाइच एक्सप्रेस के नाम से आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करें, वहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। अगर उसमें आपको परेशानी आ रही है तो हमारा UN नंबर है, आप उस पर भी कॉल करके सीटें रिजर्व करवा सकते हैं। अच्छा उसके अलावा आपकी जो बसेज हैं ये वाया GT रोड जाती हैं या मोटरवे? हमारे कोई चंद एक दो टाइम है जो GT रोड हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे माशाल्लाह डेली 25-30 टाइम निकलते हैं सादकाबाद से, तो उसमें बाकी तमाम टाइम हमारे जो मोटरवे हैं जो मुख्तलिफ शहर से, कोई इकबालाबाद से है, कोई जहरपीर से है और कोई उशरीफ से है, ये मोटरवे पर चले जाते हैं और माशाल्लाह हम थोड़े टाइम में सर्विस टाइमिंग अच्छी दे रहे हैं। अच्छा उसके अलावा रिफ्रेशमेंट वगैरह देते हैं आप सफ़र के दौरान? जी हमारी बसों में रिफ्रेशमेंट भी है, टैब चार्जिंग की भी सहूलत मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये वड़ाइच एक्सप्रेस कंपनी कब से चल रही है? जी इस कंपनी को माशाल्लाह चलते हुए ये हमारे जो बड़े थे इन्होंने इसको बुनियाद रखी थी और ये माशाल्लाह सन 85-86 से हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है, और पहले हमारी नॉन एसी बसेज होती थी, फिर हम आस्ता आस्ता जिद्दत लेते हैं, जैसे जैसे गाड़ियाँ आती गई माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आज हम पे बहुत करम किया हुआ है। अच्छा और जो नॉन एसी आपकी सर्विस थी वो किस नाम से होती थी? वो वड़ाइच तियारा के नाम से सर्विस है, वो अभी भी हमारी है, लेकिन अब वो हमने सादकाबाद से ख़त्म कर दिया है। अब वो मुख्तलिफ शहरों से, विहाड़ी से होगी, दपालपुर से हो गई, जलालपुर से हो गई, हसलपुर, हरूनाबाद, जहाँ मुख्तलिफ शहरों से हमने उनको स्टार्ट की हुई है। अजुल्फकार भाई हमें जो है बताइएगा इस बस के बारे में, ये जो आपकी जोंगटोंग बस है इसके कंट्रोल्स के बारे में बताइएगा। हाँ जी बिलाल भाई, ये हमारी जो बस है ये जोंगटोंग है, इसमें हमारा क्रूज सिस्टम भी है, इसमें ऑनलाइन कैमरे भी आप चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन कैमरे हैं कि अगर आप पे कोई सामान वगैरह कोई गुम हो जाता है या कोई प्रॉब्लम बन जाती है वो हम आपको DVR के जरिए चेक करवा सकते हैं। आए आप इस गाड़ी में पीछे ले चलता हूँ। ये जो गाड़ी हमारी है ये बिजनेस प्लस एग्जीक्यूटिव है हमारी ये बस, इसमें आप ये देख सकते हैं कि हर सीट के पीछे टैब चार्जिंग सिस्टम है इसमें, इसमें ये हमारे पास काफ़ी भी होती है, हम अपने कस्टमर को काफ़ी भी देते हैं, और ये इसमें फ्रिज लगा हुआ है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रिफ्रेशमेंट का सामान होता है। इसकी पहली जो 9 सीटें हैं ये कैबिन बना हुआ है इसमें, ये 1/2 हैं, ये ज़रा सीटें खुली होती हैं तो इनको हम बिजनेस सीटें भी कह सकते हैं। ये गाड़ी जो होती है बिजनेस प्लस एग्जीक्यूटिव होती है। अच्छा जी ये हमारी जो बस है ये बिजनेस प्लस एग्जीक्यूटिव भी हम इसे कहते हैं, इसमें ये पहले 9 सीटों के बाद कैबिन बना हुआ है, ये यहाँ पे कैबिन आ जाते हैं। हमारी जो पहली फ्रंट वाली सीटें हैं वो काफ़ी माशाल्लाह बड़ी होती हैं, इसके बाद ये एग्जीक्यूटिव सीटें 2/2 शुरू हो जाती हैं। इनमें भी वही तमाम सहूलियात मौजूद हैं, इनमें भी टैब चार्जिंग रिफ्रेशमेंट होस्टेस सिस्टम के साथ ये हमारी गाड़ियाँ हैं। ये जो हमने जोंगटोंग बसें हैं ये हमने इकबालाबाद से मोटरवे लाहौर और इकबालाबाद से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद चलाई हुई है। ये बिलाल भाई हमारा सादकाबाद का वड़ाइच एंटरप्राइज का टर्मिनल है, ये हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड लड़के हैं ये
ये और ये गार हैं इधर हमारे टर्मिनल के, ये स्टाफ इस गाड़ी का जो अभी गाड़ी हमारी 11 बजे लाहौर वाला हो रही है। आए हम आपको बैग एक्सप्रेस की बिल्डिंग के अंदर ले चलते हैं और वहाँ का आपको विजिट करवाते हैं। हाँ जी फिलहाल भाई, ये हमारा जो है बुकिंग ये कार्गो ऑफिस है, यहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान में कार्गो की भी सहूलत दे रहे हैं फ्लाइट एक्सप्रेस के जरिए, और ये इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होती है कि 10 घंटे के अंदर अंदर तो अपने कस्टमर के पास कार्गो पहुँच जाए। हमारा जो है बुकिंग काउंटर है, यहाँ से हम मुख्तलिफ शहरों की बुकिंग करते हैं। ये हमने लहदा लहदा इनके बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमारी सक्खर कराची मोरो हैदराबाद की बुकिंग हो रही है, यहाँ पे भी आप शहर दिखा सकते हैं कि इन शहरों में भी हमारे यहाँ गाड़ी जा रही है। सादकाबाद से इनका लहदा काउंटर बनाया है, और ये हमने इस्लामाबाद फैसलाबाद का लहदा काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ के किसी भी हमारे पैसेंजर को परेशानी ना आए वो लहदा लहदा काउंटर से आके अपनी बुकिंग करवा सकें। ये हमारा वेटिंग एरिया है जेंट्स का जो हमने बनाया है, उसके